हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं तनु। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूं बालों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप हमें कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिसे हम आसानी से यूज कर सकें और उसके कई फायदे हो, जैसे बाल हमारे जो रूखे सूखे हो वो बाल हमारे सिल्की हो जाए, शाइनी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करें और साथ ही साथ जो हेयर ग्रोथ रुक गई है वो भी हमारी बढ़ने लगे। तो आज फ्रेंड्स, जो ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आपकी ये तीनों जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार यूज़ करेंगे तब ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगी, आप उसको कंटिन्यू रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बालों को फ़ायदा नहीं कर रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप एक महीने तो ज़रूर यूज़ करें। तो अगर आप एक महीने यूज़ करेंगे तभी आपको जो है उसका फ़ायदा दिखेगा। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, अगर आप महीने में एक या दो बार यूज़ करेंगे और उसके रिज़ल्ट का वेट करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम घरेलू चीज़ों से जो रेमेडी बताते हैं और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन जब भी आता है बेस्ट आता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अच्छी लगे तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा लीव्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तीन ली हैं और आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको यहाँ पर लीव्स ही लेनी है। और जब आप काटेंगे तो ये येल्लो येल्लो निकलता है और ये बिल्कुल भी बालों में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बालों को नुकसान ही पहुँचाता है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुँचाता है। अगर आप इससे अच्छा है कि आप जब काटें तो इसको थोड़ी देर खड़ा करके रख दें जिससे कि ये येल्लो येल्लो है जो पूरी तरीके से निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन लीव्स को धुल लेती हूँ जिससे कि येल्लो येल्लो सब ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये लीव्स को वॉश कर लिया है अच्छे से, अब आप देख रहे होंगे येल्लो येल्लो जो है वो लिक्विड नहीं है। अब मैं इसको चाकू से बीच में से कट कर रही हूँ क्योंकि हमें इसका जो है पल्प चाहिए। ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट तो आपको पता है कि ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए अच्छे से कट कर लिया है और एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें जो बीच का जो पल्प है एलोवेरा का, तो वो चम्मच से इस तरीके से निकाल लूँगी, इस तरीके से निकाल लेना है। आप अच्छे से पल्प को निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि ये जो है एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिल्की सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ ये बालों को का जो हेयर फॉल है उसको भी बहुत हद तक कम करता है, आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये एलोवेरा तो ज़्यादातर सभी के घर में होता है तो आप आसानी से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि आप एलोवेरा जेल को किस किस तरीके से, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये इस तरीके से जो है ना, मैंने पूरे तरीके से पल्प निकाल लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मोटा मोटा वो है तो इसको हम अपने बालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखिए ये सारा जो पल्प है एलोवेरा का वो मैंने निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ चम्मच से ही। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल ऐड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे बालों को पोषण भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाने के साथ साथ बालों का मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मजबूत नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हमारे हेयर फॉल की जो समस्या है वो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है कैस्टर ऑयल।
तो हमें यहाँ पर एक चम्मच कैस्टर ऑयल को ऐड करना है। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। और जो यहाँ पर हम ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। यह आपके बालों को जो है घना बनाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो ऑलिव ऑयल है बालों को बहुत ज़्यादा मोटा बनाता है। अगर आपका चोटी या जूड़ा बहुत ज़्यादा पतला है और आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा बालों में जो है वॉल्यूम भी आता है, साथ ही साथ घने भी होते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल। ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपके बालों में जो डैंड्रफ की समस्या है उसको भी ख़त्म करेगा। तो हमने इसमें जो भी चीज़ ऐड की है वो बालों के लिए ही ऐड की है, जिससे कि हेयर ग्रोथ भी हो, हेयर फॉल जो है वो ख़त्म हो और डैंड्रफ भी ख़त्म हो, साथ ही साथ बाल लंबे भी हों। अब हमें इसको क्या करना है, हमें मिक्सी में पीसना है। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है तो ये पतला पतला बन गया है। तो इस तरीके से हमें बना लेना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसको जो है हमें अपने स्कैल्प में लगाना है। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बचता है तो आप अपने बालों की लेंथ में लगा सकते हैं, लेकिन आपको स्कैल्प में लगाना है। आप ये रेमेडी को तब लगा सकते हैं जब आपको हेयर वॉश करने हो, तो आप उससे आधे या एक घंटे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर यूज़ करें, इसके रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप एलोवेरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने रात में ऑयल लगाया है और आपको लगता है कि आपको एलोवेरा लगाना है, तो आप जब सुबह उठेंगी तो 15-20 मिनट पहले आप एलोवेरा जेल को अपने बालों में लगा लीजिए और आप फ्रेश वाला ही लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसको प्लांट से कट करिए उसकी लीव्स को और उसको बीच में से काटिए और अपने जो है स्कैल्प में रब कर लीजिए। 15-20 मिनट तक रखिए, आपको उसके भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो आपने अभी लाइक नहीं किया होगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।